रमजान का पाक महीना अपनी अंतिम चरम की ओर है। इसी के चलते रोजा इफ्तार पार्टी का सिलसिला भी बढ़ गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के उस्मानपुर इलाके के गौतम विहार में मेहरुद्दीन रंगरेज ने अपने निवास पर एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में मुख्य रूप से पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के पुत्र मुदित अग्रवाल एवं गांवडी मार्केट के प्रधान चौधरी विजेंद्र सिंह व समाजसेवी एडवोकेट प्रीतम सिंह के साथ गोंडा विधानसभा के आम आदमी पार्टी से विधायक श्रीधर शर्मा ने रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तार कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। यहाँ पे रोजा इफ्तार हुआ है आज, हाजी साहब हाजी महरुद्दीन साहब ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था कि आप हमारे साथ जरूर शामिल हो, तो मैं उस उपलक्ष में यहाँ आया हूँ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ यहाँ रोजा खोला है। क्योंकि हिंदुस्तान में हमेशा परंपरा रही है, कोई भी त्यौहार हो, हिंदुओं का त्यौहार हो उसमें मुसलमान शामिल होते हैं, जो मुसलमान का त्यौहार होता है उसमें हिंदू शामिल होते हैं। इस उपलक्ष में हम पूरी टीम यहाँ इनके साथ इनके रोजा इफ्तार में शामिल हो रहा है। मेहरुद्दीन अंग्रेज जी ने अपने यहाँ पर गड्ढे वाली मस्जिद पर ये रोजा इफ्तार पार्टी रखी, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। इन दिनों में जो भी इस शुभ कार्य किए जाए या जो मांग की जाए अल्लाह के यहाँ पर, वो दोगुनी लगी मानी जाती है। यानी कि जो भी हम पूजा पाठ और ये अपना रोजा इफ्तार करेंगे तो दोगुना फल देता है उस चीज़ का, और ये एकता का एक सबूत है कि हम सभी मिल करके इस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। रोजा इफ्तार हम सबने मिलकर साथ किया, हिंदू मुस्लिम सिख सभी यहाँ पर सब देख रहे हैं, सभी तरह सभी ही हैं इसमें, तो इसे ये लगता है कि पूरे समाज में एक है हम सब। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई बिखरा हुआ रखा है या कोई ऐसी बात है। आप तस्वीरों को देखकर स्वयं समझ जाएंगे कितनी संख्या में रोजेदार यहाँ पर बैठकर रोजा इफ्तार कर रहे हैं। रोजा इफ्तार के बाद सभी रोजेदार पास की गड्ढे वाली मस्जिद में इबादत की और देश में अमन चैन के लिए खुदा से दुआ की। इस रोजा इफ्तार की दावत के आयोजक मेहरुद्दीन रंगरेज की माने तो इस रोजा इफ्तार पार्टी में इलाके के करीब 1200 हिंदू मुसलमानों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। आज का जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइज किया वो हमारे मेहरुद्दीन भाई हैं, उन्होंने किया, उन्होंने हमें इन्वाइट किया और उन्हीं के इन्विटेशन पे हम यहाँ सभी आए। मुदित भाई जो हमारे आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं वो भी आए और उन्हीं के साथ साथ हमें भी यहाँ पे इनवाइट किया गया, हम भी उन्हीं के साथ आए थे पूरी टीम के साथ। ये जो रोजा इफ्तार हुआ है हिंदुस्तान में एक ऐसा परंपरा चली आ रही है कि हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिलके कोई भी त्यौहार हो कोई भी पार्टी हो साथ में रहते हैं, और ये रोजा इफ्तार एक प्यार का और स्वार्थ का जो है एक तरीका है कि यहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो सकें। यही संदेश दिया कि भाई सब लोग भाई एक साथ बैठे, एक साथ खाया, एक साथ रोजा इफ्तार किया, इससे एक अच्छाई का मैसेज जाता है लोगों में। लोग बुराई से इस रमजान के महीने में बुराई से रुकते हैं और अच्छाई की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। तो मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो जो मेरे भाई लोग आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, बस यही मेरा पैगाम है सबसे। हमने 1200 लोगों की गैदरिंग करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1200 ही लोग आए। इफ्तार पार्टी में आए रोजेदारों की माने तो यह रोजा इफ्तार पार्टी हर साल की जाती है और हर साल इसमें इससे भी अधिक भीड़ देखने को मिलती है। इस रोजा इफ्तार में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर रोजा इफ्तारी कर एकता का संदेश देते हैं। समीक्षा मिश्रा के साथ दिनेश सोलंकी की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।